नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज 23 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि कोरोना से मौत पर परिजनों को 50,000 रुपये का मुआवजा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया, कोविड-19 राहत कार्यों में लगे लोगों की मौत के मामले में भी यह लागू होगी। कोरोना से भविष्य में होने वाली मौतों के मामले में भी यह सहायता राशि दी जाएगी। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, 20 करोड़ लोगों को पूरी खुराक। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की वजह महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों के समाधान पर बल देते हुए बुधवार को वैश्विक समुदाय से टीकों के प्रमाण पत्र को पारस्परिक मान्यता देकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है और हाल में ही एक दिन में करीब 2.5 करोड़ खुराक दी गई। उन्होंने कहा कि अब तक भारत में 80 करोड़ लोगों को खुराक दी जा चुकी है और 20 करोड़ से अधिक लोगों को पूरी तरह से टीकाकरण किया जा चुका है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, कोविशील्ड को मान्यता, भारत का नाम सूची में नहीं। ब्रिटेन ने भारत पर फिर फंसाया पेच। आपको बता दें कि भारत को अब भी उन 17 देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया है जिनके यात्रियों को टीकाकरण को ब्रिटेन में मान्यता हासिल होगी। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, बुधवार को कोरोना के 31,000 मामले, 289 लोग, 79 लोगों की मौत। देश में बुधवार को रात 12:45 बजे तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना विषाणु संक्रमण के 31,951 मामले दर्ज किए गए। वही इस दौरान 279 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। सबसे ज़्यादा मामला जो है वो केरल में 19,675 और 142 लोगों की वहां पर मौत हो गई पिछले 24 घंटों में। वही महाराष्ट्र में 3608 और तमिलनाडु में 1682 लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हुए। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, अगले वर्ष तक नहीं टाल सकते NDA में लड़कियों को अवसर। लड़कियां इसी साल नवंबर में होने वाली परीक्षा में शामिल होंगी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। कोर्ट ने सरकार से RIMC में भी लड़कियों को लेने को कहा है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, दुरुस्त होगी डिजिटल एजुकेशन की गुणवत्ता, बनेगी कमेटी। शिक्षा मंत्री ने डिजिटल एजुकेशन की गुणवत्ता की समीक्षा का निर्देश दिया, स्कूली शिक्षा सचिव की अगुवाई में बनेगी कमेटी। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, इसमें दिया है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू। कारोबारी सहूलियत के लिए 18 केंद्रीय विभाग, 9 राज्य सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी के साथ निवेश में तेजी के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बुधवार को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की। फिलहाल 18 केंद्रीय विभाग और 9 राज्य इस सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, कश्मीर पर नरम पड़े तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बार नहीं दिया तीखा बयान। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का राग फिर आलापा है। हालांकि इस बार इस मुद्दे पर उनका नरम रूप देखने को मिला है। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में कश्मीर को लेकर जिस तरह के तीखे बयान दिए थे उसके मुकाबले इस बार का बयान नरम दिख रहा है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, बिहार से संबंधित है। शराब की बिक्री भंडारण पर पूरा परिसर होगा सील। मादक द्रव्य लदे वाहनों को चेक पोस्ट पर अनुमति मिलेगी। ऐसे वाहनों को 24 घंटे के भीतर सीमा से बाहर जाना होगा। आपको बता दें कि किसी परिसर में शराब का निर्माण, बोतलबंदी, भंडारण, बिक्री अथवा आयात निर्यात किया जाता है तो पूरे परिसर को सील किया जाएगा। वही आवासीय परिसरों का चिन्हित कर सीलबंद किया जाएगा, न कि पूरा परिसर। राज्य कैबिनेट ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति दी है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, सूबे के सभी निजी ITI की होगी जांच। राज्य के सभी निजी ITI की जांच होगी। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने जिलावार टीम बनाई है। जाँच में जिस ITI में बुनियादी सुविधाएँ नहीं होगी उसकी मान्यता समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, साइकिल और पोशाक के लिए 75% हाजिरी की शर्त खत्म कर दी गई है। राज्य में 1 से 12 तक के सभी 2,10,00,000 छात्र छात्राओं को
साइकिल पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि का भुगतान होगा। राज्य सरकार ने एक साल के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता समाप्त कर दी। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, मुख्य सचिव को 3 महीने का सेवा विस्तार। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को दोबारा सेवा विस्तार दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 3 माह का फिर से सेवा विस्तार दिए जाने का पत्र बिहार सरकार को मिल गया है। अब त्रिपुरारी शरण 31 दिसंबर तक बिहार के मुख्य सचिव बने रहेंगे। वही अगली खबर दैनिक जागरण से, राजधानी सहित राज्य के कई भागों में बारिश की संभावना। आपको बताएं कि राज्य में मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है। पटना समेत इसके आसपास के इलाकों में बुधवार को दिन में तेज धूप की स्थिति रही, तो वहीं राज्य में कुछ जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। राजधानी में गुरुवार को बूंदाबांदी हो सकती है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण सामने लिया, इसमें दिया है कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस से बौद्ध एवं जैन सर्किट जुड़ेंगे। राजगीर जाने वाली बसें से जुड़ेगा पावापुरी जैन तीर्थस्थल। बढ़ाई गई पटना राजगीर और पटना मुजफ्फरपुर के बीच बसों की संख्या, यात्रियों को मिलेगी शानदार सुविधाएं। वही अगली खबर जो है वो सभी समाचार पत्रों में दिया है। बीपीएससी का सूचना है कि CDPO की परीक्षा जो कि 31/10/2021 को होने वाली थी, उसे पंचायत चुनाव को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। वही अगली खबर प्रभात खबर से, स्कूलों में 8386 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की होगी बहाली। आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट के फैसलों में पद सृजन को मंजूरी मिल गई है। वही अगली खबर प्रभात खबर से, पटना जंक्शन पर बनेगा एग्जीक्यूटिव लाउंज, मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। ट्रेनों का इंतजार करना अब होगा आरामदायक कुर्सी होगी, बिजनेस सेंटर और शॉवर की सुविधा भी दी जाएगी। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।